Finally, Vincent is dead. गोली उसकी अतड़ियों के पास बहुत गहराई में चली गई थी, जिसे निकालना नामुमकिन था। दो दिनों तक जिंदगी से लड़ते लड़ते आज उसने मेरे गोद में दम तोड़ दिया। मरते मरते भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत हंसी छलक पड़ी और अपने को समेट कर उसने मुझे कहा, थियो, मैंने कुछ भी तो पेंट नहीं किया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कभी मैंने कोई कैनवास पर ब्रश से एक लकीर भी खींची थी या नहीं, पर अगर कभी ऐसा कुछ किया भी होगा तो वो मैं नहीं, कोई और था। अब इस खोखले जीवन को लेकर मैं क्या करूंगा? इतने वर्ष मैं अपने सारे दर्द को खोलकर पीता रहा कि कुछ पेंट कर सकूं। मेरे अंतस में जो ज्वालामुखी फूट रहा था उसे दुनिया के सामने रख सकूं, लेकिन अब कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं जल रहा सिवाय इस खोखले आवरण के। तो फिर क्यों मैं अपने आप को मरने के लिए वक्त के हाथों छोड़ देता? Thank you.
माय डियर थियो, जिंदगी उतनी आसान नहीं जैसा मैं सोचा करता था। एक दर्द उठता है और बढ़ जाता है। अब मेरा मनोभाव ईश्वर की ओर बढ़ रहा है। आजकल बाइबल पढ़ने में लगा हुआ हूं। खैर, परिस्थितियों ने मुझे लंदन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा विंसेंट। दक्षिण बेल्जियम के पास बोरिनेज के कोयले की खदान में मजदूरों के लिए काम करूंगा। जब मैं इंग्लैंड में था तब मैंने इस बारे में बेल्जियम की एक एवेंजलाइजेशन कमेटी से बात की और आज फिर उनसे बात की। बहुत मुश्किल से मुझे इस कोयले की खदान में एक अस्थायी नौकरी मिली है। मुझे उन मजदूरों तक परमेश्वर का संदेश पहुँचाना है। बाइबल में लिखा है, अंधेरे में ही रोशनी पनपती है, और ये बात उन लोगों से ज़्यादा और कौन महसूस कर सकता है जो खुद अंधेरे में ही जीते। तुम्हारा दिल से। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? समझा, पूरा का पूरा गांव तो इस बोरिनेस के जमीन के नीचे बसा हुआ है। मिस्टर विंसेंट? यस। ओह ओह मिस्टर विंसेंट, मैं मिस्टर विंसेंट, मैं डैक्रुक विंसेंट वैन गॉग। मिस्टर विंसेंट, मैडम डेनिस ने मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा है। आपके रहने का इंतजाम उन्हीं के यहाँ किया गया है। इस पूरे बोरिनेस गांव में सिर्फ उन्हीं का एक पक्का मकान है। आप चलिए आइए। आपका सामान ये मैं आइए।
सुनिए सुनिए सुनिए, आप तब से खास क्यों रहे? वही पुरानी बीमारी फेफड़ों में तैर। यहाँ के हालात ठीक नहीं है क्या? हमारी जिंदगी तो यहाँ जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। सुबह सुबह 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक हमें खदान के नीचे काम करना पड़ता है। नीचे 700 मीटर की गहराई में खूब काला अंधेरा, कोयले का धुआं, धूल, मिट्टी, हवा में जहर। हम तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। मिस्टर विंसेंट, इस सोच में पड़ गए। आइए, देर हो रही है। इस चिट्ठी के साथ एक छोटा सा स्केच भी भेज रहा हूँ। वैसे कोई खास स्केच तो नहीं है, फिर भी मेरे लिए काफी मायने रखता है। इस छोटी सी सराय के आसपास दोपहर में खदान के मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, जैसे ब्रेड, बियर और दूसरी रोजमर्रा की चीजें। ये लोग बहुत ही काले हैं और छोटे कद के हैं। इनकी छोटी छोटी झोपड़ियाँ सड़क के दोनों तरफ दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं। इनके लिए रोशनी का कोई वजूद ही नहीं है सिवाय इतवार के, और इतवार की शाम को मैं इन्हें सराय के सामने इकट्ठा कर परमेश्वर का संदेश सुनाता हूं। और इस तरह रात के अंधेरे में पॉल को एक साया दिखाई देता है। उन्हें लगता है मैसिडोनिया का एक आदमी उनके सामने खड़ा है और गुजारिश करता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, मैसिडोनिया आओ और हम पर दया करो, अपना आशीष दो। दोस्तों हम सभी मजदूर उन मैसिडोनिया के लोगों की तरह दुख और दर्द सहते सहते हमारी आंखों के नीचे काली रेखाएं खींच गई हैं। लेकिन 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 यह भी ईश्वर की सुंदरता का एक दूसरा रूप है, क्योंकि हमारी आत्मा निष्पाप है और इस आत्मा को खुराक चाहिए परमेश्वर की वाणी। दोस्तों हमें प्रभु के बताए हुए सत्मार्ग में चलना चाहिए और जब अंतिम दिन आएगा हमें शांति से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आमीन। आमीन। मिस्टर विंसेंट, आपने जो कहा वह 16 आने सच है। शांति के लिए हमें ईश्वर की वाणी की जरूरत तो है, लेकिन उससे पहले हमारी भूख मिटनी चाहिए, हमें खाना चाहिए। एकदम सही कहा, खुदा से पहले
हमारा पेट भरना चाहिए। हम बेहद गरीब लोग हैं, बीमार हैं। हमें दवाई की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है। ठंड के मारे ठिठुरते रहते हैं, कांपते रहते हैं हम लोग। तो फिर तुम बताओ मिस्टर विंसेंट, हम चैन से कैसे मर सकते हैं? ठंड गिरने वाली है, पूरे गांव पर बर्फ की चादर छा जाएगी। बाहर कैसे निकले, कैसे अपने को गर्म रखे? और कंपनी वाले तो हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ना कोई मदद ना कोई हर्जाना। हमारे घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे उन्हें गर्म रखें? मेरे पास तो कपड़े की चिंती भर भी नहीं है। हमारे बच्चे इसी तरह से जमीन पर लेटे रहेंगे तो वो बढ़ेंगे कैसे? मिस्टर विंसेंट, आप हमारे साथ रहते जरूर हैं, पर अभी तक आप हमें अच्छी तरह समझ नहीं पाए। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। सच है पर अधूरा। लेकिन आपने हमें तो केवल जमीन के ऊपर देखा है, यहाँ तो हम रात गुजारने के लिए आते हैं। और मिस्टर विंसेंट, और अगर आप सचमुच हमें जानना चाहते हैं ना, तो आपको हमारे साथ नीचे खदान में उतरना होगा। और हमारे साथ चलकर ये देखना होगा कि हम सब लोग कैसे जमीन के नीचे 13-13 घंटे गुजारते हैं। फिर तय करना कि हमें किसकी ज्यादा जरूरत है, दवा दारू रोटी की या फिर ईश्वर की वाणी की। बात तुम्हें खत लिखकर फिर से परेशान कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने एक बहुत ही खतरनाक सफर तय किया है। मार्कस की कोयले की खदान के अंदर जमीन से 700 मीटर नीचे 6 घंटे गुजारे हैं। पूरे बोरिनेज में यह खदान बहुत ही बदनाम है। यहाँ अक्सर हादसे होते ही रहते हैं। लिफ्ट का नीचे गिर जाना, हवा में जहर फैल जाना, आग का फैलना, अचानक बाढ़ आ जाना, बहुत सारे लोग इन्हीं हादसों में मर चुके हैं। ये लोग बड़े सहमे सहमे से इन काली गुफाओं में काम करते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, हड़ियल होते जाते हैं और वक्त से पहले मर जाते हैं। खदान के चारों तरफ सिर्फ काला धुआं। Yeah.
saying no! Vincent, do you think you are in jungle of Africa? Heaven only knows what damage he has done to our religion. I suspected he was innocent. I should not have trusted him. Send this filthy dog to his home. What in the world have you done to yourself? What do you mean by spreading God's words here in this biggest tree? What sort of new barbaric cult you are spreading here? Do you have any sense of decency? Do you wish to disgrace our church? Thank God, we have only given him a temporary appointment. You may now consider that appointment cancelled! उसकी आलोचना कर सके, बेरहमी से उसकी चीर फाड़ कर सके। पीटरसन,
मुझे पीटरसन से मिलना होगा। पीटरसन, ब्रसेल्स का सबसे बड़ा पेंटर, वो उन्हें अपना काम दिखाना चाहता था और वो जल्दी जल्दी उसकी तैयारियों में लग गया। मेरे पास सिर्फ 3 सिक्के और ब्रसेल्स यहां से 80 किलोमीटर दूर है, जाऊंगा कैसे? अब क्या करोगे? इससे ट्रेन का एक तरफ का टिकट भी नहीं होगा। सुनो, पैदल चला जाता हूं। ए, नहीं सुनो, पैदल नहीं 80 किलोमीटर, तुम पागल हो गए हो? सुनो सुनो, 80 किलोमीटर पैदल कैसे जाओगे? पागल है, बिल्कुल पागल। और वो चलने लगा पैदल, उसके जूते फटने लगे, पैरों में छाले पड़ने लगे, छालों में खून बहने लगा, भूखा प्यासा उसे चक्कर आने लगे, पर उसने हार नहीं मानी क्योंकि वो खुश था, बेहद खुश, एक कलाकार को दूसरे कलाकार से जो मिलना था। My first impression, sir, drawing में perspective की कमी है। और समझा दूंगा। अच्छा तुम मुझे बनाओ बताओ कि तुम स्केच कैसे बनाते हो, पेपर पर बॉक्स खींचते हो, नापने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो? सर हाँ, मैंने कभी किसी से कुछ सीखा नहीं। क्या बात, जो देखता हूँ समझता हूँ, एज इट इज कागज पर उतार देता हूँ। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। एक अच्छा पेंटर बनने के लिए तुम्हें ये सारी तकनीक सीखनी होंगी ही। लेट मी एक्सप्लेन, मैं तुम्हें बताता हूं कि इस औरत में क्या कमी है। सर ध्यान से देखना, एकदम प्रोपोर्शनेट। देखो ध्यान से देखो। अरे वाह सर, हाँ ये तस्वीर तो वाकई बहुत अच्छी बन गई। वो तो है, लेकिन सर हाँ, ये कोई कोयला बीनने वाली औरत नहीं लग रही है। क्या बात कर, ये देखिए किसी खूबसूरत औरत की तस्वीर है ये। Oh no. क्या हुआ सर? Now I understand कि तुम क्या कहना चाहते हो। Oh my dear Vincent, I am extremely sorry. मैंने तुम्हारी ड्रॉइंग को सही प्रोपोर्शन तो दे दिया, पर इससे इसका करेक्टर छीन लिया। Oh no. Oh God. Vincent, सर, तुम्हारी ड्रॉइंग्स कतई गलत नहीं है, हो ही नहीं सकती। वो दिखने में बुरी जरूर है, काली है, भद्दी है, मगर इनमें जरूर कुछ है जिसे मेरी उंगलियां पकड़ नहीं पाई। विंसेंट, वो खास चीज क्या है? विंसेंट देखा देखा है विंसेंट, मैंने इस औरत को जरूर कहीं देखा है। कहां देखा है? कहां देखा है? कहां देखा है? याद आया, बोरिंग एज में उन कोल माइनर्स की औरतें, हाँ वही वही खदान की महक, वही कोयले की राख का कालापन, सब कुछ एक साथ। विंसेंट, सर विंसेंट, इसी खास चीज को तो तुमने अपनी ड्राइंग में पकड़ लिया, अब ये किसी भी अच्छे ड्राइंग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। विंसेंट विंसेंट, क्या तुम मुझे ये वाली तस्वीर दे सकते हो? इसे मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा, मुझे लगता है कि इस औरत के साथ मेरी अच्छी निभेगी।
माय डियर विंसेंट, स्केचिंग और पेंटिंग के प्रति तुम्हारा रुझान देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरे हिसाब से अब जाकर तुमने सही रास्ता अपनाया जो तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है, तो अगर तुम सचमुच अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ अब एक समझौता करना चाहता हूं, तुम मुझे अपना काम भेजना और बदले में हर महीने मैं तुम्हें अब 100 फ्रैंक भेजने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भाई, जहां चाहो जाओ, जहां मर्जी रहो, लंदन, पेरिस, ब्रसेल, हेग, मैं तुम्हें हर महीने 100 फ्रैंक भेजने के लिए तैयार हूं। विंसेंट, मुझे आज भी तुमसे पूरी उम्मीद है। तुम्हारा भाई थियो। माय डियर थियो, इतने साल मैं यहां वहां खुद को ढूंढता रहा, पर वो मुझे अब आकर मिला। अब मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा। शायद इसीलिए मैं बाकी कामों में हारता रहा, क्योंकि उन सभी के लिए मैं बना ही नहीं हूं। मेरे भाई, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। कैद खाने की सलाखें खुल गई है और इसे तुमने खोल दिया है, तुमने। ओ थियो, मेरे भाई। यह है मेरा गांव। यहां का मौसम बहुत खुशनुमा है और यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि ये लोग मुझे बड़े अजीबोगरीब ढंग से देखते हैं, इन्हें लगता है कि मैं पागल हूं। मैं यहां हर रोज आता हूं और यहां के खेत खलिहानों की ढेर सारी तस्वीरें बनाता हूं। बड़े मजे में बीत गया और मैंने यहां के खेत खलिहानों की ढेर सारी तस्वीरें बनाई। थियो ने मेरे लिए पेपर, पेंसिल, चारकोल वगैरह भेजे थे और एक आदमी का पूरा स्केलेटन। स्केलेटन को देखकर पापा एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए, नाराज हो गए और कहने लगे, आर्टिस्ट बनने के लिए इन सारी चीजों की क्या जरूरत है। एक सिलाई मशीन के पास अपनी बहन को बिठाकर मैंने उसकी तस्वीर बनाई, खेत में फावड़ा पकड़े एक आदमी की, सफेद टोपी में एक औरत गरम आलू छिलती हुई। अब मुझे बड़े ध्यान से यहां के लोगों के रहन सहन और यहां के खेत खलिहानों को देखना होगा।
आलू लेकर आई हूँ। भागे कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो 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 बैठो, चलो मुंह खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? गरम है। अरे थूक दो, थूक दो मेरे मुंह पे। नहीं पागल, कहाँ जा रहे हो? सुनो, अच्छा बाहर आ रहे हो, भागे मत जाओ। पागल है, बिल्कुल पागल। मैंने कहा था ना, पागल में गिर गया। उसे लगा कि वो खुद से जितना सीख सकता था सीख चुका है, अब उसे एक टीचर की जरूरत है। उसके मन में इच्छा जगी कि वो उसे हेग जाकर तलाश करे। उसके पास दो नाम थे, मिस्टर टेरेस्टी और मिस्टर माओ। मिस्टर टेरेस्टी हेग की एक बड़ी आर्ट गैलरी के मालिक है, और ये है मिस्टर माओ। मिस्टर माओ, सॉरी सर, बेहद खतरनाक और जालिम किस्म के इंसान, पर बेहद फेमस पेंटर। तो विंसेंट ने अपनी ड्राइंग्स को इकट्ठा किया और निकल पड़ा हेग। अच्छा है, ठीक है, मुझे तुम्हारी लाइंस की बनावट पसंद आई और शेडिंग्स भी। बन जाओगे एक न एक दिन पेंटर, तो बन ही जाओगे। बेकार बेकार, क्या है ये सब? एक अच्छा किसी को कॉपी करने से कोई पेंटर नहीं बन जाता। अरे तुझे काम करना है तो डोंट कॉपी एनीवन, अपना बना, अपना अपना ओरिजिनल। तुम्हारे काम में सुधार तो आने लगा है, पर इसमें तुम्हारा स्ट्रगल झलकता है। ये रफनेस कम करो, सफाई लाओ। सफाई सफाई, स्ट्रगल, रफनेस और कुछ नहीं। एक स्कूल बॉय की तरह कॉपी करते हो तुम। अरे इससे तुम्हारा अपना क्रिएशन क्या है, है? ये सब तो किसी ने बहुत पहले से कर रखा। देखो, अगर तुम्हें पेंटर बनना है तो लाइफ से उठाओ, लाइफ से। डोंट इमिटेट, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, अंडरस्टैंड माय वर्ड? यस सर, अभी मैं ग्रेट मास्टर्स को कॉपी कर रहा हूं, इससे मेरी लाइंस और फॉर्म्स की समझ बढ़ती है सर। बिल्कुल, ग्रेट मास्टर्स को तो कॉपी करना ही चाहिए। करूंगा मैं, रेमरा, मिले, फुजिन, सबको कॉपी करूंगा। इडियट, इन सब से कुछ नहीं होता। तुझे पेंटर बनना है तो लाइफ से उठाओ, लाइफ से। अंडरस्टैंड? यस यस। लर्न फ्रॉम कॉपिंग द मास्टर। नो 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 नो, एक आर्टिस्ट बनने से पहले एक क्राफ्टमैन बनना पड़ता है। Man. Yes. No. 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 Copy the master. Crap, man. You should be idiot. Crap, man. Follow me. Hey. Follow me. Oh, God. Stop it. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं कंफ्यूज हो गया हूं सर। हे विंसेंट, तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल वर्क नहीं है? है ना सर? वंडरफुल। अरे ये तो उस तरह सड़ा हुआ कॉपी वर्क से लाख दर्जा बेहतर है। देखो विंसेंट, तुम्हारी ड्राइंग्स वद्दी जरूर है सर, पर हे ऑथेंटिक, इसकी लाइंस की रिदम में एक फ्लो है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय बॉय। कॉपी करना छोड़ दो, अब तुम्हें स्केचिंग्स की नहीं पेंटिंग्स की जरूरत है। एक पेंट बॉक्स खरीदो, कुछ पैसे उठाओ और शुरू हो जाओ। सर, सो सिंपल। क्या आप मुझे गाइड करेंगे? नहीं नहीं, देखो मेरे पास please, मेरा मेरा वो सिंप पड़े हुए सिंप के लिए एक पेंटिंग सर, लगा। मुझे आपके साथ रहना है। नो नो, आई एम नर्वस एनर्जी, नो आई कांट, नो इट्स नॉट पॉसिबल, नो 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 नो। Yes, you want to learn? Yes. Take my brush. चलो अपना स्टूडियो बुलाते, चलो। देखो ये ईजल चाहिए, ईजल, हाँ हाँ हाँ, ईजल, yes, bring it, bring it quickly. Yeah, yes. Put the canvas like this and. Yes, this is palette, this is your palette, okay? And hold the brush like this.
Yes. Yeah, like a plow. Yes. Understand? Yes. Carry on. Yes. See, my boy, I'll come tomorrow. Okay, sir. Keep this painting ready for me. Okay? Okay, sir. Okay, bye-bye. See you. January 1882. Hague. My dear Theo, Hague में मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया है. मिस्टर मॉ ने मेरी काफ़ी मदद की, मुझे ढेर सारे पेंटिंग मटेरियल्स भी दिलाए. मेरे सारे पैसे आने जाने के किराए में लग गए. अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा. दरअसल बात यह है कि मुझे एक मॉडल की सख्त ज़रूरत है, तो 100 फ्रैंक अगर भेजने में कोई दिक्कत हो तो कुछ तो ज़रूर भेज देना, और जल्दी. जेब में सिर्फ एक पोस्टल स्टैम्प पड़ा था तो ये चिट्ठी भेज पा रहा हूँ, वरना वो भी मुश्किल होता. तुम्हारा विंसेंट. परेशान कर रखा है. ओ, लगे रहो ये मॉब एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर से पेंटर ढूंढ ही निकालेगा. पर तो तुम्हें थोड़ा जल्दी पकड़ लेना चाहिए है, ताकि तुम अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सको. मेरी थियो से मुलाकात हुई थी पेरिस में. हर महीने उसे 100 फ्रैंक भेजना तुम्हें भारी पड़ रहा है. उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसको देख कर मुझे ऐसा लगा. तुम्हें थोड़ा जल्दी पकड़ लेना चाहिए, किसी पर बोझ बनना अच्छी बात नहीं है. देखो अपने काम में थोड़ा सुधार लाओ, फिर मैं ही तुम्हारी पेंटिंग्स खरीद लूंगा. थैंक यू फॉर योर एडवाइस. इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा पेशा है. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था. थियो थोड़ा परेशानी में है. हाँ, उसने मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे भेजे. ये रख लो. अरे रख लो, जब हो तो वापस कर देना. मैं मैनेज कर लूंगा. अरे रख लो, देख रहा हूं तुम्हारी हालत ठीक नहीं है. पहले कुछ खा लो, फिर पेंटिंग करना. अच्छा, चलता हूं. ख्याल रखना. हाँ, और मेरा पैसा वापस करना मत भूलना. 25 फ्रैंक है.
मैं तो बस कह रहा था कि कुछ चाहिए क्या? फ्री में पिलाएगा? फ्री में चलेगी क्या? हट साला, निकल यहाँ से। अरे चल, फ्री में चलेगी। तेरा तो रोज का धंधा है। बीमार को जाके पूछ। फ्री में चलेगी। क्या तो फ्री शू? ये है मेरे पास, आ जा। विंसेंट वैन गॉ। विंसेंट वैन गॉ, अच्छा नाम है। काम धंधा? पेंटिंग करता हूं। गुजारा नहीं होता तो यहाँ चली आती हूँ। शायद एक आध मुर्गा फंस जाए तो दो चार फ्रैंक निकल आए। जिंदगी बड़ी हरामी है सनी, गुजारा ही नहीं होता। अभी शुरू किया है। शुरू किया? तो तेरा गुजर बसर? एक भाई है पेरिस में, हर महीने पैसे भेजता है। तेरा घर में कोई नहीं है? यार दोस्त बहुत अकेला।
क्रिस्टीन, क्रिस्टीन क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्रिस्टीन मैं बहुत अकेला हूँ, तुम पहली औरत हो जिसने मेरा हाथ पकड़ा है और ढंग से बात की है। मेरे साथ चलोगी क्रिस्टीन प्लीज? मेरे साथ चलोगी? मेरे साथ चलोगी क्रिस्टीन प्लीज? मैं बहुत अकेला हूँ। क्यों भाई, इतना बुरा तो नहीं दिखता? कभी प्यार व्यार नहीं हुआ? किया था, किया था, किया था एक तरफा। रोता है? ए, टेंट मंडे बूझ वाला, चल, रोते नहीं है, आजा और पीते हैं। ए बेटा, एक और। नहीं, अब और नहीं, प्लीज। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ सिर्फ एक सिक्के हैं, अब और नहीं, प्लीज। इसकी हालत तो मेरे से ज्यादा खस्ता है। चल मान ली तेरी बात, चल नहीं पी। क्या हुआ? ओए ओए ओए, वहीं पे हिलना नहीं, हिलना नहीं। हर हर यहाँ पे, हर यहाँ पे। ऐसे? हाँ। ऐसे? ऐसे? मॉडल बनी हो? हैं? और जिया किसी का ये? अबे जवान नहीं है अभी तो थोड़ी। क्या कर रहा, दिखा, मैं थक गई, दिखा। हिलना नहीं। अबे दिखा ना मेरे को तब से। ये तो मेरी शक्ल है एकदम। क्रिस्टीन क्या तुम मेरे लिए मॉडल बनोगी? मेरे साथ चलोगी क्रिस्टीन? मेरे साथ? बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े धोने से अच्छा काम है। प्लीज चलोगी? अच्छा नहीं लग रहा फिर तो ये। तो मेरी पेंटिंग बनाना, पैसे देने पकड़, कल से मैं अपनी माँ को भी लेके आऊंगी।
आज रात में यही रुक जाओ। क्रिस्टीन, क्रिस्टीन, इस बार मेरी मंथली अलाउंस बहुत जल्दी खत्म हो गई। मुझे मजबूरन क्रिस्टीन को मॉडलिंग के लिए मना करना होगा। क्रिस्टीन, आ रही हूं विंसेंट। क्या बात है, क्यों तब से आवाज लगा रहे हो? बोलो इधर। क्रिस्टीन, अब ये तुम मेरे लिए मॉडलिंग करना बंद कर दो। मॉडलिंग बंद कर? हाँ। क्यों? तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पर रहो। तुम पेंटिंग बनाओ, मैं वहां बैठती हूं। मैं बहुत निराश हो गया। मैंने उसे मुझे छोड़कर चले जाने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। मेरा दिमाग फिर गया। Thank you.
के बीच मुंह छिपा रो रही थी। उसके दोनों बाहों ने उसके बदन को जकड़ रखा था। उसके छित्राए बाल पीठ पर बिखरे पड़े थे, स्तन नीचे की ओर झूल गए थे, बेसहारा हड़ियल पांव थर थर कांप रहे थे। मैंने उसकी एक ड्राइंग बना डाली। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरी यंत्रणा का साकार रूप, ये एक औरत जिसे जीवन का सारा रस निचोड़ लिया गया, मैंने उसकी एक ड्राइंग बना डाली। मैंने उसकी एक ड्राइंग बना डाली। क्यों मैंने उसकी एक ड्राइंग बना डाली। वो अपने दोनों घुटनों के बीच मुंह छिपाए रो रही थी। उसके दोनों बाहों ने उसके बदन को जकड़ रखा था। मैंने उसकी एक ड्राइंग बना डाली। क्यों ड्राइंग बना डाले। क्यों मैंने उसकी एक ड्राइंग बना डाली। तीन रात तक हम लोग भूखे रहे। आखिरकार मैं अपनी माँ के यहाँ से कुछ उबले हुए आलू और बीन्स ले आई। दो दिन तक उससे चला। तेरो का मनी ऑर्डर आने में अभी भी वक्त था। क्या किया जाए। आखिरकार विंसेंट को अपनी कुछ ड्राइंग्स टेरेस्टिक के यहाँ गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा ये क्या था। वही खुरदरापन, वही रफनेस, वही क्रूडनेस, क्या है ये सब? सोचा था धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आ जाए, पर नहीं, तुम जहां थे वही हो। तेरे सिंह, प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। देखो विंसेंट, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि तुम्हारा काम बिके, पर इन हालात में नहीं, और मैं खैरात में पैसे नहीं बांटता। नहीं, 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 नहीं। मैं खैरात में नहीं, अपना काम गिरवी रखकर तुमसे कुछ पैसा उठाना चाहता हूँ। प्लीज 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 मुझे 10 फ्रैंक दे दो। थियो का मनी ऑर्डर आते ही मैं पाई पाई चुका दूंगा। प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। पहले के 25 फ्रैंक तो अब तक चुकाए नहीं। प्लीज है? प्लीज मुझे 10 फ्रैंक। फिर चले आए भीख मांगने के लिए। वो तो तुम्हारे मंथली अलाउंस का क्या हुआ? वो सब खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ खर्च हो गए मॉडल पर। फिर तो तुम्हें मॉडल हायर ही नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे अपनी तसल्ली के लिए गाय भैंस भेड़ बकरी पर काम चला लेना चाहिए था। प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। देखो देखो, तुम्हारे काम में कोई चाल नहीं।
ये बिक नहीं सकता। असल बात तो ये है कि तुम्हारे हाथ में ही कोई हुनर नहीं है। यू आर वर्क इज टोटली अमेचोरिस्ट। यू आर नॉट फिट टू बी एन आर्टिस्ट। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं, मेरी औकात ही क्या है। तेरे सिंह, तीन दिन से भूखा हूं, पेट में एक दाना तक नहीं किया, लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा। तेरे सिंह, मेरी एक मॉडल है, बेसारा दुखियारी औरत, वो बहुत बीमार है, मैं बहुत जल्द उसे शादी करने वाला हूं। तेरे सिंह, उसे दवाई की सख्त जरूरत है, प्लीज प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। तेरे सिंह, थियो का मनी ऑर्डर आते ही मैं सारा सारा कर्जा चुका दूंगा, प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। तेरे सिंह, वो बहुत बीमार है। अब समझा कि बात कहां आ गई है। प्लीज 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 मुझे तब मैं कहूं कि जनाब क्यों घुटनों के बल गिड़गिड़ा रहे हैं। दे दो तेरे सिंह। आओ, कुछ कुछ बोल रहा था। तेरे सिंह, अब समझ में आया। प्लीज, तुम बुरी तरह बर्बाद हो चुके, तुमने हम सबकी इज्जत उतार डाली है। चले जाओ यहां से। गेट लॉस्ट ऑन द रोड। ए चल चल ले। ए गेट लॉस्ट। ए मैं काम इसलिए नहीं करता कि उसे देखकर लोग खुश हो जाए, तालियां पीटे, अमीरों की ड्राइंग रूम्स में टन जाए। मैं गरीब मजदूरों की आवाज हूँ जो तपते धूप में खेत खलियानों में पसीना बहाते मेहनत करते। अगर इसके लिए मैंने आपका सामाजिक अदब कायदा नहीं माना तो क्या मैं गिरा हुआ कहलाऊंगा? अगर मैं उन्हें अपने घर बुलाकर इज्जत दी तो आप सबकी इज्जत उतर गई और मैं बर्बाद हो गया। क्यों क्यों कोई पैसा नहीं। प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। तेरे सिंह, प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। तेरे सिंह, मैं बहुत भूखा हूं। प्लीज, तुम पागल कुत्ते की तरह काटा है तुमने मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है तो की तरह काटा। क्यों मेरे पीछे पड़े? तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। मैं और मॉम मिलकर थियो से तुम्हारी शिकायत करेंगे। नहीं नहीं नहीं, थियो नहीं, थियो नहीं, प्लीज। वो तुम्हें मंथली अलाउंस कैसे भेजता है? प्लीज थियो नहीं, गेट आउट। तेरे सिंह, गेट लॉस्ट। प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। पागल कुत्ते की तरह काटो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको कुछ समझाओ। आलू खाई क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हो? ब्लडी शट अप, गेट लॉस्ट। तेरे सिंह, प्लीज मुझे 10 फ्रैंक दे दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हेग में विंसेंट और क्रिस्टीन के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया, दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। थियो को जब क्रिस्टीन के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो उठा। माओ ने कहा कि वो चरित्रहीन है, लंपट है, कोई आर्टिस्ट नहीं, उसकी पेंटिंग्स गलत है, उसकी ड्रॉइंग्स गलत है, उसका सब कुछ गलत है। कलाकार के नाम पर वो कलंक है, कलंक। मॉम, मॉम, बरसात की रात अगर तुमने लंदन की गलियारों में गुजारी होती, बोरिनेस के खुले आसमान के नीचे
बर्फीले ठंड में ठिठुरे होते, बेसहारा, भूखे, नंगे, बेघर, बीमार जिंदगी अगर कभी जिए होते तो आज तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसी झुर्रियां निकल आई होती, तुम्हारा कैनवस भी खुरदुरेपन से भर गया होता। मैं तुम्हारे कायदे कानून से बनने वाला नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से क्रिएट करूंगा, अपनी आंखों से दुनिया देखूंगा, तुम्हारी आंखों से नहीं। बस विंसेंट, मेरे भाई, थियो, ये लोग मुझे पागल कर देंगे, एक पैसा नहीं है मेरे पास, तू आने में इतना देर क्यों कर देते, मेरे मुझे कमाल नहीं है, थियो, मनी ऑर्डर नहीं आ रहा, क्या करूँ, थियो, तू फरिश्ता है थियो। लेना, कुदरत मेरे कानों में कुछ कह गई है, हाँ कुछ कह गई है। इसे कैसे पालूं? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसे क्या खिलाऊं? क्या खिलाऊं? मुझे कुदरत के संगीत में रंग भरना है, उसे अपने कैनवस पर उतारना है। ये मेरी अभिव्यक्ति का रंग है, उसके शब्द है, ध्वनि है। रंगों के सिवा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। न खाना, न पीना, न घर, न संसार, कोई नहीं है। मैं इसे समझाते समझाते हार गई हूँ, मैं खुद खो गई हूँ।
क्यों तुम मेरी मॉडल नहीं बन सकती? क्यों बनूं मैं तेरी मॉडल? बता मुझे क्यों बनूं मैं तेरी मॉडल? ले जा धक्का, बोलना कहां बनूं मैं तेरी मॉडल, क्यों बनूं? शट। मैं रोज रोज बाहर के मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम्हारे यहाँ होने की एक वजह ये भी है, समझे? मॉडल बना के अपने पैसे बचाना चाहता, नहीं बनूंगी तेरी मॉडल, समझा? नहीं बनूंगी तेरी मॉडल, कर ले, क्या करेगा? क्या करेगा बोल मुझे? ऐसे बाहर निकाल दूंगा, कंधे नाली में फेंक दूंगा। इस औरत के साथ मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकता, मुझे यहां से जाना होगा। इस औरत के साथ मैं यहां एक पल भी नहीं रह। चलो चलो मैं कहीं जा रहा था। हाँ तुम, मैं कहाँ जा रहा था? हाँ याद आया, क्रिस्टिन, क्रिस्टिन तुम मेरे साथ चलोगी? चलोगी मेरे साथ क्रिस्टिन? अगर तुम सारे पैसे घर के खर्चे में लगाओगे तब। क्रिस्टिन ये मुझसे नहीं होगा। क्रिस्टिन पेंटिंग्स मेरे लिए पहले है। और मैं जिंदा रहना चाहती हूं, खाने के बगैर मैं जी नहीं सकती, और रंगों के बगैर मैं जी नहीं सकता। मुझे बताया भी नहीं और पहुंच के पेरिस। मैं तो सोच रहा था कि तुम अभी इटन में ही होगे।
उन्हीं पोटैटो एटर्स के साथ उनकी तस्वीर बना रहे होंगे। उनकी तस्वीर तो कब की बना ली थी, लेकिन उसकी स्टडी में मेरी पूरी सर्दियां गुजर गई। उन लोगों के हाथों के बनावट, झुर्रियां, पसीने की बदबू, मिट्टी सने पैर, थकावट, एथियो, हाँ देखोगे क्या? My masterpiece, the great potato eaters. अरे हाँ, दिखाओ ना कहाँ है। अरे 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 विंसेंट, विंसेंट मैंने अभी देखी नहीं है पेंटिंग। पेंटिंग विंसेंट, विंसेंट मुझे पेंटिंग दिखाओ। विंसेंट, विंसेंट दिखाओ मुझे पेंटिंग, मैंने पेंटिंग देखी नहीं है विंसेंट। गौर से देख, कितनी मेहनत से जमीन जोतते हैं, फसल उगाते हैं, और उसी फसल को सब मिलकर छोटे से एक लैंप की रोशनी के नीचे बैठकर बड़े चाव से खाते हैं, ईमानदारी से। पेंटिंग तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि रंग को ज्यादा गाढ़ा हो गया है? गाढ़ा हो गया? हाँ गाढ़ा हो गया कि क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि तुमने पेरिस की कुछ इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स देखी है क्या? इंप्रेशनिस्ट? हाँ वो क्या? बताता हूं, पेरिस के कुछ नौजवान पेंटर्स हैं जैसे माने, डेगास, पिसारो। एक मिनट रुको, तुम्हें कुछ दिखाता हूं मैं। ये देख, ये सीजा, ये सूर्य, ये देखो गोगा, और ये भी है पिसारो, और भी बहुत सारे हैं। एथियो? हाँ यो, ये लोग तो गाढ़े रंग का इस्तेमाल ही नहीं करते। वही तो मैं तुम्हें इसमें दिखाना चाह रहा हूं। देखो ये लोग हल्के उजले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। हल्के उजले रंग? हाँ उजला रंग। उजला रंग, लाइट कलर्स। लाइट कलर्स, ब्राइट लाइट कलर्स का यूज करते हैं। ब्राइट लाइट कलर्स, लाइट कलर्स, लाइट कलर्स, ब्राइट लाइट कलर्स। पूरी जिंदगी मैं अंधेरे से जूझता रहा, पर यहां तो उजाला ही उजाला, रोशनी से जैसे सारे रंग धुले हुए। हर स्ट्रोक की अलग पहचान, इनके ब्रश स्ट्रोक कैनवसों पर अडिग खड़े हैं। Am I the madhouse? Hey, Theo! 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 क्या हुआ? तुम मुझे यहां पहले क्यों नहीं लाए? कहां नहीं लाए? ये सब मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? क्यों नहीं पता चला ये सब मुझे? छह साल मैंने गवा दिए। गवा दिए? हाँ गवा दिए, पूरे छह साल मैंने गवा दिए। नॉनसेंस कहीं के गवा दिए?
और इन 6 सालों में तुमने अपना जो हुनर सीख लिया वो क्या कम है? अगर तुम पहले यहां आए होते तो अब तक तुम पेरिस के सांचे में ढल गए होते। और ये शहर देख रहे हो, ये शहर तुम्हारी अभिव्यक्ति को निगल गया होता। विंसेंट, इतने साल मैंने क्या किया? क्या किया मैंने इतने साल? क्या कर रहे हो ये? विंसेंट, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मरे हुए रंगे, क्या किया मैंने इतने साल? मुझे फिर से सीखना होगा, एकदम शुरू से सीखना होगा मुझे एकदम शुरू से सीखना होगा। तुम्हें विंसेंट बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइट और कलर्स को समझना है बस। मैं नहीं चाहता कि तू पेरिस के चकाचौंध में कहीं गुम हो जाए। नहीं चाहता थियो, मेरे भाई, मेरा सारा काम बेकार हो गया, मैं क्या करूं? कुछ भी, तुम मुझे यहां पहले क्यों नहीं लाए? कुछ बेकार नहीं हुआ विंसेंट, कुछ भी बेकार नहीं हुआ। बेकार हो गया सारा काम, बेकार हो गया। कुछ बेकार नहीं हुआ, कब से समझा रहा हूं तुम्हें, कुछ बेकार नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ बेकार नहीं हुआ। सिवाय तेरी रंगों की समझ के तू तो पहले से एक इंप्रेशनिस्ट पेंटर है विंसेंट। आराम से, ये देखो, ये अपनी स्केचिंग्स देखो, देखो इन्हें, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लाइंस, ये खुरदुरापन, ये तुम्हारी रफनेस, यही तो तुम्हारी पहचान है विंसेंट, और यही तो इंप्रेशनिज्म है। मेरे भाई, तू पहले से एक इंप्रेशनिस्ट पेंटर है। विंसेंट, तुम एक इंप्रेशनिस्ट पेंटर हो, थे और रहोगे हमेशा, हमेशा के लिए। थियो मेरे भाई, तू फरिश्ता। अब ये पागल वाली बातें बंद कर। आज मैं तुझे पेरिस के उन तमाम इंप्रेशनिस्ट पेंटर से मिलवाने ले जाऊंगा। अब तो हंसते मेरे भाई। हाथियो मेरे भाई, तू फरिश्ता है। आज तूने फिर से काट लिया, तू बचपन से काटता रहा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। विंसेंट रुक जा। वैन गॉग, विंसेंट,
वैन गॉग। विंसेंट। विंसेंट वैन गॉग। वैन गॉग विंसेंट। विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग। वैन गॉग विंसेंट। ओह। आह। वैन गॉग। ओह विंसेंट। मैं उलझ गया हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ। इससे पहले ये शहर तुझे निकल जाए, तू ये शहर छोड़कर चला जा। वैन गॉग, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। अरे हाँ, तू दुकेला भी कब था रे? तू तो हमेशा से अकेला रहा है। तेरा ये अकेलापन, तेरी झुंझलाहट, तेरा गुस्सा, यही तो तेरी ताकत है। अपने भीतर के वैन गॉग को बाहर आने दे और पेरिस को भूल जा। मैं चला जाऊंगा किसानों के बीच, गरीबों के बीच। मैं मिट्टी होकर अपने रंगों को नया आसमान दूंगा। ये शहर मेरे लिए नहीं है, यहां सब कुछ चमकता है। भाषा, रंग, कैनवस, शब्द, ध्वनि, सब कुछ चमकता है। सब चमकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बकवास करते हैं। वैन गॉग, वैन गॉग, कुदरत इतनी नकली कैसे हो सकती है? यहां आने से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था दुनिया ऐसे बेवकूफों से भरी पड़ी है जो अपनी अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस गलतफहमी में जीते हैं कि वो आर्टिस्ट है। ये शहर मेरे लिए नहीं है, मैं चला जाऊंगा। विंसेंट, तुम्हें रोशनी चाहिए, जगमगाते सूरज की रोशनी, उसकी गर्माहट, उसकी ताकत जो तुम्हें भीतर तक सराबोर कर दे। तुम्हें खुले आसमान की जरूरत है, ताजी हवा की जरूरत है, तुम्हें माहौल चाहिए विंसेंट, माहौल। तुम्हें सुबह का सूरज भी चाहिए और शाम का सूरज भी। पीली रोशनी, पिघलता हुआ पीला प्रकाश, सूरज की परछाई, पीली परछाई, पिघलता पीला प्रकाश, पीली परछाई, पीली रोशनी, पिघलता हुआ पीला प्रकाश, पीली रोशनी। विंसेंट वैन गॉग, विंसेंट वैन गॉग, रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, पीली रोशनी, पीली परछाई, पीला प्रकाश, मुझे रोशनी चाहिए, पीला प्रकाश, नीला आसमां, पीले सूरज को गोद में बिठाए हुए नीला आसमां। यहां मेरी सांस घुटती है, यहां मेरी सांस घुटती है, मुझे ताजा हवा चाहिए, ताजा सांस चाहिए। मुझे मरने के लिए नहीं जीना है, मुझे जीने के लिए मरना है। मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए, पीला चमचमाता सूरज। Thank you.
बढ़ा दिया। सुना है सूर्यमुखी के फूल गहरा नीला था। मानो सब कुछ सूरज की रोशनी में तपा हुआ है। यहाँ की धरती बहुत सुंदर है। लाल मिट्टी पर अंगूर के खेत, आसमान के गुलाबी बैंगनी रंग, बर्फ के चादर से ढकी घाटियां। मुझे जापानी लैंडस्केप की याद दिला रही है। यहाँ के आसमान के बदलते हल्के सिलेटी रंग के बादल माउंट मेजर की चोटी पर अपना असर जमाए बैठे हैं, और दूर तक फैले हुए फूलों के खेत। लेमन ग्रीन ब्लू रोज रेड और येलो, सीमाहीन येलो। मैं सब कुछ एक साथ अपने कैनवास पर उतार लेना चाहता हूं। थियो ओ थियो, थियो मेरे भाई। सच कहूं तो पेरिस में रहकर काम करना मेरे लिए दुखर हो गया था। उस चकाचौंध भरी शहर में मेरा दम घुटने लगा था। मुझे खुलेपन की जरूरत थी, ताजी हवा की जरूरत थी, इसलिए पेरिस छोड़ दिया। आज सुबह आल्स आ पहुंचा हूं। यहां रात भर बर्फबारी होती रही। सुबह की रोशनी में मानो आंखें चौधिया उठी। पेरिस से यहां तक के सफर की थकान अभी मिटी नहीं। बहुत जल्द तुम्हें यहां के बारे में सब कुछ बताऊंगा। विद अ गुड हैंडशेक टू यू एंड द पाल्स, yours truly, Vincent. पगडंडी की ओर उतरता जाता और वहां की छटा को अपने कैनवास पर उतार लेता। वो अंधाधुन पेंटिंग बनाने में जुट गया किसी मशीन की तरह। हर शाम कुदरत के रंगों में नहाया हुआ एक नया कैनवास उसके ईजल पर चढ़ता उतरता गया। वो सब कुछ पेंट कर लेना चाहता था, सब कुछ। उसकी 8 साल की कमर तोड़ मेहनत आज रंग लेकर आई है। मानो उसकी सारी संचित इच्छाएं विजय गर्व से उसके कैनवास पर अटखेलियां कर रही हों।
गोगा, गोगा आ रहा है, पॉल गोगा, हाँ, मेरा दोस्त, यहाँ मेरे साथ रहने आ रहा है, इस योलो हाउस में। ग्रेट। पेरिस में हम दोनों ने मिलकर खूब सारी पेंटिंग्स बनाई थी। सोचता हूँ करीब आधा दर्जन सनफ्लावर्स तो बना ही डालूं। हाँ, सुनो, गोगा के कमरे की हर एक दीवार इन तस्वीरों से सज जाए। सनफ्लावर्स की सीरीज खत्म होते होते मौसम बदल गया, गर्मियां शुरू हो गई और उसी के साथ तीव्र बर्फीला तूफान। इस तूफान ने एक तनाव सा पैदा कर दिया था। ऐसी स्थिति में बाहर निकलकर पेंटिंग करना तो लगभग नामुमकिन ही थी। और ऐसी ही तनाव गिरा से तूफान पोल गोगाल सा पहुंचा। Vincent Van Gogh साहब, हे विंसेंट, अभी भी वही अटका है उसी स्टाइल में? कुछ तो नया बना, कुछ अपना जिससे तेरी पहचान बन सके। है बड़े क्रिटिक हो। हाँ वो तो हूँ। तुम्हें मेरे इन सनफ्लावर्स में और कुछ नजर नहीं आया? नहीं, और भी बहुत कुछ है मेरे दोस्त। वो क्या है बताएंगे जनाब? हाँ क्यों नहीं। देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारी कोई भी लाइंस कंप्लीट नहीं है। आड़ी तिरछी, क्या है ये सब है? और रंगों की हारमोनी लगातार कितना मोनोटोनस है। येलो 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 टैटी पहन लो। तुम कभी भी पेंटर नहीं बन सकते। ऐसे घूर क्या रहे हो? मैं यहां अपने आप नहीं आया, तुमने न्योता भेजकर यहां बुलाया है। Vincent, are you okay? Vincent, 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 help, help, Vincent, help, Vincent. Help, hey Vincent, hey, are you okay, Vincent? क्या हुआ? सॉरी। हे विंसेंट, संबंधों में इस कदर दरार पड़ जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं था। दोनों की किसी बात पर नहीं बनी, विचारों को लेकर लड़ते रहे, पेंटिंग्स को लेकर झगड़ते रहे। ऐसा लगा मानो दोनों एक दूसरे को नोच खाएंगे। ए,
जब तक यूं कुदरत को घूरते रहोगे ना, कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। कुदरत, कुदरत को तुम कितना जानते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता सूर्य के आवर्तन की गति मेरे हर एक पेंटिंग में मौजूद है। जो भी उसे देखे वो महसूस करे सूर्य एक लयबद्ध ताल में यहां घूम रहा है। और जिस दिन तुम सृष्टि के नैसर्गिक ताल को समझ जाओगे ना, जीवन अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले मुझे वहम था, अब पक्का यकीन हो गया है कि पेंटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। ए, अपने आप को आर्टिस्ट कहता है, खुद को देख ले, देख तुम्हारा ये ब्रश, ये पैलेट, ये स्टूडियो, कितना बिखराव है तुम्हारे जीवन में, कोई ऑर्डर ही नहीं है। और तुम रिदम की बात करते हो। हाय होगा, व्हाट इज दिस? होगा, ये मेरा घर है, दिस इज माय योर हाउस, ये मेरी मर्जी चलेगी, ज्यादा थॉट जमाने की जरूरत नहीं है। धमकी दे रहे हो? धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग भी ना तुम्हारे रंगों की तरह बिखरा हुआ है, हर तरफ बिखरा। ब्लडी ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ मिलेट हुज़र। क्या बोला? क्या बोला? ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ मिलेट हुज़र। फिर से बोल। ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ मिलेट हुज़र। राइट। हाय, बाप से ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, नाम नहीं। राइट। मिलेट एंड हुज़र। हल्के लो, बाप से ज्यादा रिस्पेक्ट। शट अप। हल्के लो होगा। विंसेंट, व्हाट आर यू डूइंग? ओह गॉड, विंसेंट, डू दिस, डोंट डू दिस। आई एम योर फ्रेंड विंसेंट। गर्मी का असर पूरे जोर पर था। वादियों का हरा पीला नीला रंग आंखों में गढ़ने लगा था। सूर्य के तीव्र प्रकाश ने अल्स की धरती को जलाकर राख कर दिया था, विंसेंट और पॉल को। ऊपर से सूखे बर्फीले तूफान के थपेड़ों ने इनके शरीर को ठूंठ में बदलकर रख दिया था। इसके बावजूद दोनों हर सुबह पेंटिंग करने के लिए घर से बाहर निकलते और चतुर्थी ठंड में आधी रात को घर वापस लौटते। घर पहुंचते ही शुरू हो जाता विवाद। एक ज्वालामुखी था और दूसरा साक्षात सूर्य अवतार। ज्वालामुखी बस फटने को ही था। हे पॉल, गुड मॉर्निंग। शट अप। आई एम सॉरी फॉर द लास्ट नाइट मैन। दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। तुम ही गुस्सा दिलाते हो, अच्छा खासा पेंटिंग कर रहा था। Hey Paul, Paul, coffee. Shut up. अब मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। क्या मतलब? मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। ऐसे कैसे चले जाओगे? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? ये येलो हाउस मैंने सजाया तुम्हारे लिए। तुम्हारे आने की खुशी से एक एक सनफ्लावर महका है। कौन? मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। और पर से तुम्हारी ये हरकत, ये पागलपन, तुम्हें गुस्सा दिलाता मुझे। देखो, मैं यहाँ रुका ना तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। पागल मैं। पॉल प्लीज, तुम बहुत अच्छे हो, मैं कमी ना हूं। पॉल प्लीज, तुम रह जाओ, ऐसे कैसे चले जाओगे? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? प्लीज देखो विंसेंट, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारे पागलपन की कोई हद नहीं है। उसका शिकार होने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज, मैं अकेला हो जाऊंगा। अकेले हो जा, तू अकेले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? You are mad. पागल हो गया तुम? You are mad. Totally mad. मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं और रह लूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। Vincent, I'm your friend.
get this. I'm staying here. मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर. देखो, 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 कोई आए. मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा. रुक नहीं पाऊँगा मैं. Vincent, no, Vincent, you are mad, totally mad. Go, 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 सत्ताईस जुलाई 1890 ओवर्स. माय डियर थियो, मैं हालात से बचकर नहीं भाग रहा. मेरे भीतर जो टीस है उसे मुंह भी नहीं मोड़ रहा. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना जिया. मेरी हजारों खामियों के बावजूद ये दुनिया मुझे बार बार अपनाती रही. अपनी जिंदगी के पूरे 37 बरस मैं इसकी मिट्टी, हवा और पानी लेकर जिंदा रहा. इस दुनिया के लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है. अपनी इस जिंदगी को विदा करने से पहले मैं दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. अपने सारे कैनवस मैं इस दुनिया के हवाले करता हूं, जिन पर इस पूरी कायनात के रंग पुते हैं. अपनी सभी पेंटिंग्स मैं इस दुनिया की नजर करता हूं, जिनके लिए मैंने अपनी तमाम जिंदगी दांव पर लगा दी. और जवाब अब भी अधूरा रह गया, कारण ढूंढना बाकी ही रह गया. तुम्हारा विंसेंट.